दोस्तों ये पासाट ऑटोमेटिक है और आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है और कितनी सारी लाइट आ रहा है वो भी आप देख सकते हो। अब इस गाड़ी में कस्टमर का कंप्लेन था पहले जब गाड़ी ये मेरे पास आई थी, तो अभी मैं चाबी को ऑन करता हूँ। देखिए यहाँ से ये जो बटन है मैंने इसको प्रेस किया, गाड़ी बंद हो गई। अब मैं यहाँ पर इग्निशन को ऑन करता हूँ और जैसे इग्निशन ऑन हुआ तो आप देखिए ये जो टेम्परेचर का जो ये कांटा है अभी 90 पे है, लेकिन पहले जब गाड़ी में आई थी मेरे पास जो प्रॉब्लम के लिए तो इग्निशन को ऑन करते ही ये सीधा 130 पे जाता था। और कंटिन्यू फैन ऑन, मतलब कि चाबी ऑन करते ही पंखा तुरंत डायरेक्ट हो गया था पंखा, और जो हीटिंग का जो टेम्परेचर कांटा जो आपको दिख रहा है 90 पे है अभी, वो डायरेक्ट 130 पे ये तो हो रहा था। और दूसरा मैं आपको गाड़ी चालू करके दिखाता हूँ। अभी ब्रेक को मैंने प्रेस किया, गाड़ी को स्टार्ट करता हूँ। ये देखिए गाड़ी को स्टार्ट किया, गाड़ी स्टार्ट नहीं हुआ, गाड़ी स्टार्ट होकर तुरंत बंद हो गया। ये क्यों बंद हो रहा है वो भी मैं आपको बताता हूँ, पहले मैं गाड़ी को स्टार्ट करता हूँ। ये देखिए अभी गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है। तो इसमें क्या है कि अपना ये जो जितने सारे लाइट आ रहे हैं ना, ये जो लाइट है ये इनका ABS का सेंसर ख़राब है, पीछे के टायर का जो व्हील स्पीड सेंसर है ना राइट का वो ख़राब है, और लेफ्ट का भी वीक हो चुका है, तो दोनों सेंसर रिप्लेस करना है। लेकिन अभी कस्टमर का अप्रूवल नहीं है तो ये ऐसे ही चलाएंगे गाड़ी बिना ABS के, समझाया लेकिन वो समझे नहीं। तो ठीक है, तो ये अभी जो लाइट आ रही है ये ABS सेंसर इनका ख़राब है, और ABS सेंसर डालने के बाद ये सब सॉल्व होएगा। अब देखिए ABS सेंसर की वजह से और स्टेयरिंग का जो एंगल सेंसर उसमें भी थोड़ा फॉल्ट बता रहा है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, देखिए इनका रिवर्स कैमरा, अभी मैं इसको रिवर्स पे ले रहा हूँ, ये देखिए रिवर्स कैमरा नहीं चल रहा, खाली बीप साउंड आ रहा है, लेकिन यहाँ पे जो है रिवर्स का कुछ नहीं दिखा रहा है, ये एक प्रॉब्लम उनका है। और दूसरा जो गाड़ी स्टार्ट होके, अच्छा ये जो है आपका जो अभी गाड़ी चालू है ये जो टेम्परेचर का जो गेज है अभी देखिए 90 पे परफेक्ट है, और गाड़ी को मैं रेस भी करूँगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इनका जो ये टेम्परेचर कांटे का जो इशू था, फैन डायरेक्ट हो गया था और डायरेक्ट 130 पे आता था, AC वगैरह कुछ भी नहीं चलता था, तो इनका ECM में प्रॉब्लम था, ECM को रिपेयरिंग करने से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, इनका ECM में प्रॉब्लम था। अब चलते हैं स्टार्टिंग की तरफ कि गाड़ी स्टार्ट होकर तुरंत बंद हो जाती है। अब जैसा वापस से मैं एक बार स्टार्ट करता हूँ, ये देखिए गाड़ी को किया बंद, गाड़ी हो गई बंद, और वापस से इसको मैंने यहाँ पर बटन को प्रेस किया, ये देखिए स्टार्ट हुई और गाड़ी बंद हो गई। फिर दोबारा से जब मैं प्रेस करूँगा तो देखिए स्टार्ट नहीं हो रही है, ये देखिए दो तीन बार मारने के बाद ये देखिए नहीं स्टार्ट हो रही है, लेकिन ये दो चार बार मारेंगे तो गाड़ी स्टार्ट होती है, अभी स्टार्ट हो जाएगी। अब ये प्रॉब्लम क्यों हुआ वो मैं आपको बताता हूँ, ये प्रॉब्लम क्यों है तो चलिए ये मैं बताता हूँ ये प्रॉब्लम किस वजह से है। अब दोस्तों मैं आ चुका हूँ डिक्की के अंदर, तो ये जो है मैं इसको खोलता हूँ पहले, ये खोलने के बाद देखिए अभी इन्होंने जो ये बैटरी इन्होंने नया डलवाया, बैटरी नई है ये, अब ये नई बैटरी जो है इन्होंने कम एम्पियर की बैटरी लगाई है। अब कम एम्पियर की बैटरी लगाने की वजह से क्या हो रहा है, स्टार्टिंग में इशू हो रहा है इनका, जैसे स्टार्ट करते हो तो गाड़ी तुरंत बंद हो जाती है, दो तीन बार चार बार सेल्फ मारो तो एक बार स्टार्ट होती है, तो ये जो बैटरी है ये कम एम्पियर की है, इसके लिए जो है ये प्रॉब्लम आ रहा है। बैटरी वायर जो है इनका टाइट है, आप देख सकते हो बैटरी वगैरह टाइट है, बैटरी वगैरह खाली जो कम एम्पियर का है इसकी वजह से प्रॉब्लम आ रहा है। तो बैटरी जो है कम एम्पियर का लगाया हुआ है, इसके लिए स्टार्टिंग का प्रॉब्लम आ रहा है, तो वापस एक बार स्टार्ट करके देखते हैं। अब देखिए गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है, तो ये जो स्टार्टिंग का प्रॉब्लम है ये इनका बैटरी जो है कम एम्पियर का, इसके लिए ये प्रॉब्लम है, और ये जो आपका हीटिंग का है ये ECM के अंदर प्रॉब्लम था, फैन डायरेक्ट हो गया था और ये डायरेक्ट 130 पे आता था, तो ये प्रॉब्लम ECM रिपेयर करने से प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। और ये जो दुनिया भर के जो जगर मगर लाइट आ रहा है ना, इनका ABS सेंसर ख़राब है पीछे का, इसके लिए आ रहा है और ये अप्रूवल नहीं है अभी, तो ये प्रॉब्लम दोस्तों इस प्रॉब्लम के रिगार्डिंग गाड़ी हमारे पास आई थी और ये प्रॉब्लम इसके अंदर था। ओके दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में।